नाश्ता उसे पड़ जाता है। बर्गर बच्चे हैं, पबजी लवर्स हैं, जाने देखते क्या बनता है। और यार लगा दिया, 5 सेकंड लगा दिए कवर में। अब मुझे लगता है मुझे बॉलिंग के लिए आना पड़ेगा। ऑलरेडी दावत देते यार, मुझे उठ जा रहे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस संडे। आज संडे है, ठीक है। तो संडे को कभी कभी हमारा क्रिकेट का प्लान भी बन जाता है। दोस्त के घर के बाहर खा रहा हूँ, ऐसे ही बाहर आ जाएगा तो फिर क्योंकि बाकी लोग चले गए हुए हैं ग्राउंड में, अब सिर्फ इसका ही वेट है, जैसे ही आएगा तो हम निकल जाएंगे। जी तो अभी इजाज़त लेने के बाद 30 मिनट ला करने के बाद आ चुका है, और अब हम ग्राउंड की तरफ जाने लगे बिना किसी ताखीर के। वी आर ऑन द वे टू द ग्राउंड। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि सेठ नासिर साहब क्रिकेट खेलने नहीं आए, और ये हमारा एक रूल भी है कि जो कमिट करके कि मैं सुबह आऊँगा और नहीं आता क्रिकेट खेलने हमारे साथ, फिर नाश्ता उसे पड़ जाता है। तो सेठ साहब मुबारक हो, आपको नाश्ता पड़ चुका है। इस वक्त हम ग्राउंड में आ चुके हैं, मैच स्टार्ट हो चुका है, आपको नज़र भी आ रहे हैं, बैटिंग भी आ रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट बैटिंग है, हम थोड़ा सा लेट हैं, तो उसके बाद जल्द ही मेरी बैटिंग भी आने वाली है। जी तो बैटिंग का हमें मुझे मौका नहीं मिल पाया, तो हमें 4 ओवर में 40 बनाया है। अब देखते हैं वो क्या सलूक करते हैं हमारे साथ। अब हम जरा प्लानिंग कर ले जी। टेप टेप ला रही है, 4 ओवर में 40 बनाया है, कितना बनाया 40। तो बाल में वैसे ये स्कोर इतना कोई डिफेंडेबल नहीं, बहुत पूरी बैटिंग हुई है। अब देखते हैं, मैं बैटिंग पे नहीं आया, दरअसल हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम लेट हो गए थे, टीम की परफॉर्मेंस हमें अब सारा बोझ हमें अपने कंधों पे उठाना पड़ना है। जी तो आउटफील्ड में आ चुका हूँ। दूसरा ये है कि मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खासतौर पर जो बर्गर बच्चे हैं, पबजी लवर्स हैं, कि गेम्स वगैरह मोबाइल गेमिंग छोड़ के कोई फिजिकल गेम की तरफ आए, जिससे आप फिट वगैरह भी रहते हैं। मैंने कवर किया है, मुझे एक ओवर में 12 स्कोर लगी है, तो आपको पता है 40 स्कोर लगा है, पहले ओवर में 40-12 मुझे लग गया, तो 36 हो गया। तो दूसरा मैच जब हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो ये भाई हमारा पहला ओवर कर लेंगे, देखते हैं हमें क्या टारगेट मिलता है। नहीं सिंगल ही काफी है, चौं ते छे चाहिदा जे। What will you say? जैसा कि आपको बताया गया था कि मैं बैटिंग में गया हूँ और ओपन गया हूँ, नॉट आउट आया हूँ। बाबरा ने वाली इनिंग के लिए, बल्कि कोहली वाली इनिंग के लिए अंदर कप्तान ने आपको रोल दिया था ना, एंकरिंग इनिंग खेल ली है, कोचिंग ने कहा तो जिम्मेदारियां दी, अच्छे तरीके से अंजाम दिया, और बेन स्टोक्स वाली इनिंग खेली, बेन स्टोक वाली जो छक्का भी नहीं भी लगा, लेकिन रोटेट करा, डबल लगाए, चौके लगाए, विकेट रोक के रखा, मैच जिता दिया। तो पहला मैच हमने हारा था, दूसरा मैच मेरी परफॉर्मेंस की वजह से टीम हमारी जीत चुकी है। अब तीसरे मैच के लिए कलीम उल्ला, इधर देखो तुम टीवी पे आ रहे हो, तो आज इसका हैप्पी बर्थडे भी है। कलीम ने पहली बॉल पे छक्का लगा दिया, दूसरी बॉल होने जा रही है, और ये फ्लिक किया फील्डर, ऊपर से गेंद भी तो भाई 6 है, अंपायर का इशारा जी 6 रन। तीसरे मैच में कलीम उल्ला की जारहाना बैटिंग शामिल जारी है, 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा रही है, बन रही है, बॉल लगी है हमारे भी कैप्टन को, बॉल लग चुकी है, जख्मी हो चुकी है, उनके तासरात आपको नजर आ सके। मैं तो क्रिकेट बड़ा ही डेंजरस खेल है, आपको पता लग गया, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और ये सफदर भी आउट, बच गया यार। 2 ओवरों की समाप्ति के ऊपर जी स्कोर हो चुका है 38। 2 ओवरों में खासी धुलाई हो चुकी है मुखालिफ टीम की, और पहला बॉल तीसरे ओवर का, और तब तक मेरी तरह बैटिंग करते हुए ये होता है प्रेशर, ये होता है दबाव का खेल क्रिकेट।
पांच गेंदे हैं, चार गेंदों पे चार छक्के लगातार जड़ चुके हैं सफदर। अब बॉलर परेशान है, आखिरी गेंद फेंकने जा रहे हैं, देखते क्या बनता है। और यार गेंद में छक्का लगा दिया, पांच छक्के लगा दिए हैं कवर में, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया सफदर ने। इस ग्राउंड में अभी तक किसी ने पांच छक्के नहीं लगाए, सफदर ने पांच छक्के लगा दिए हैं। सफदर वेल डन, आपको पता है ये जान इसी काम आएगी, छक्का लगाने के काम आएगी। हमदी कितना बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है, कितना टारगेट मिला दिया हमें जरा बता दें जी। 92 का आंकड़ा लगा दिया है, बोल मुखालिफ टीम बहुत परेशान हो चुकी है। लास्ट वाले खेल में सफदर ने बहुत ही कमाल कर दिया है, बॉलिंग का कोई इतना अच्छा आगाज नहीं हुआ, दो पे दो छक्के लग चुके हैं। अब तीसरी गेंद पे देखें क्या बनता है, बॉल फेंका और ये गेंद फील्डर अंदर आया और ये छह रन, तीन पे तीन छक्के हम भी पड़ चुके हैं, चार गेंदे हुई हैं, तीन छक्के हमें भी लग चुके हैं। बॉल कितनी है यार, पहले ओवर की समाप्ति के हमें भी 24-25 स्कोर लग चुका है। अब मुझे लगता है मुझे बॉलिंग के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें मेरे साथ क्या सूरत हाल होती है, दूसरी बॉल भी नहीं बही, इतने लंबे छक्के लगाए हैं, बॉल ही गुम हो गई है। पूर फील्डिंग का मुजाहरा हो रहा है, दो बॉले गई है, फील्डर ने सहमत है कि नहीं की गेंद को आगे। कितना लग चुका है, लास्ट बॉल है ये, लास्ट बॉल है मेरे ख्याल से 15 लग चुका है। जितने तो क्या डाल ले, ओ गुड बॉल यार, शाबा, अच्छा वो डाला मैंने। कितना आया, 15 स्कोर लगा, आओ बशारत कराए, स्कोर लगा। अब अगला वाला बॉलर आ गया, इधर ही आ जाओ फील्डिंग। आखिरी ओवर का खेल 34 चाहिए, क्या था मुस्तुआ इसको डिफेंड कर पाएंगे, चले नहीं। बहुत ही अच्छा, तीन बाउंसर फेंके हैं, बहुत अच्छी गेंदे करवाई है, तीनों डॉट बॉल हुई है, एक बार तीन बॉल आते हैं और ये को डॉट, बहुत ही अच्छा ओवर। आखिरी ओवर का खेल हमारे मुकम्मल हक पे, बहुत ही पहले शोर हो रहा था, अब वो तमाम इनके जो सपोर्टर है वो इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और कि हम मैच जीत चुके हैं, तीसरा मैच जीत चुके, दो मैच हमने जीतनी है, पहला मैच हमने हारा था। तो हम तीन मैचों के सीरीज 2-1 से जीत के आए हैं, जिसमें सफदर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, पांच छक्के मारे हैं, और इसी शानदार परफॉर्मेंस की खुशी में ना सफदर ने नाश्ते का ऐलान कर दिया, ठीक है। अगर सफदर साहब नहीं है तो हमने तो ऑलरेडी दावत दे दी है कि आज घर में आलू के पराठे बने हुए हैं, सफदर साहब आए आपको हम घर से आलू के पराठे खिलाते हैं, तो च्वाइस इज योर्स, क्या करना है फिर, हरी आलू वाले पराठे, तेरे हरी आलू वाले पराठे हमारे खाएंगे। बोला नाश्ते वाले के पास आ चुके हैं, कामों के में इनके बड़े मशहूर चने हैं, सबसे ज्यादा मशहूर चने इनके हैं, चलनी है तो ठंडे हो गए, कभी भी मैं अंडा चना कोफ्ते में मेरी आए हैं, बोल रहा है मावे चने की है अपने को, पाए में वो चने आता कोफ्ता चिकन पीस है, नीम चावल ये नींबू है ना, नींबू नहीं आता ऑर्डर कैंसिल, ये तो वापसी हमारा, पहले अंडे आलू के पराठे का नियम नहीं बनाने का, सफदर के लिए पैर चुके हैं भोले के नान चने, नान चने आ चुके हैं, नान भी सफदर ने कह रहे स्पेशल क्या है, कभी क्रिकेट खेल के आते हैं, नाश्ता भी हमने नाश्ते से कर लिया, तो अब मैंने कहा कोई काम वगैरह तो है नहीं है, तो क्योंकि जो नींद थोड़ी पूरी नहीं हुई इस दफ़ा, तो नींद पूरी कर लें, सोने लगा जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज जी। तो क्रिकेट खेल लेने के बाद बस हो गया था, मैं उठो नहा दो फ्रेश हो, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मुझे खाना खाने लगा, मेरा खाना बन रहा है, तो खाना खा दो, कुछ नेक्स्ट फिर एक्टिविटी देखते हैं क्या आप। जैसा कि आज 20 नवंबर है और इस दिन के हवाले से मैं आप लोगों को एक अहम बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि 20 नवंबर को आज से 2 साल पहले एक पाकिस्तान की नहायत ही मशहूर आलम दीन, और उन्होंने अपने वो आलम दीन जिन्हें ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और उसको अपने अमल से साबित किया, तो मैं अगर उनका नाम ना भी लूँ तो लोग आप लोग समझ चुके होंगे, मैं और किसी के नहीं, मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की बात कर रहा हूँ, कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी रियासत, इस्लामी कवानीन को इस्लामी जदोजहद के लिए कोशिश की, और ना सिर्फ उन्होंने बातें की बल्कि अमली तौर पर मैदान में उतर के, उसका मुँह बोलता सबूत उनका लाहौर के अंदर तारीखी जनाजा था और पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा जनाजा था लाहौर। बस
के अंदर वो सबसे तारीखी जनाजा था, लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों ने उनके बारे में बात की और उनके हक में बात की, और उनके चले जाने के बाद जिन लोगों ने उनकी मजदूरी का उनकी उनकी व्हील चेयर का मजाक उड़ाया, आज उनका लीडर खुद व्हील चेयर के ऊपर है। तो अल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन कारसाद है। तो जिसमें एक खास तौर पर जब आप एक आलम दीन का इस तरह मजाक उड़ाते हैं, और वो आलम दीन जिसने अपने लिए बात कभी नहीं की, ना उन्होंने कभी अपनी जात का नारा लगवाया कि खादिम हुसैन जिंदाबाद, जब भी उन्होंने बात की लब्बैक या रसूल अल्लाह की बात की है और खत्मे नबूवत की बात की है, वो हमें नारा भी उम्मत को ऐसा दे गए हैं कि जब जब तारीख में खत्मे नबूवत की बात होगी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ना सिर्फ उन्होंने तकरीरें नहीं की, उन्होंने अमली तौर पर मैदान में निकले, अपने बेटों के साथ निकले हैं। तो जिसलिए हमारे लिए एक सबक भी है, तो आज के उसके हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ये तो अभी मैं अगर अवरेली घर आया था, मैं देख रहा था आज संडे है, तो और घर में कोई भी नहीं था, ये बेचारा अकेला ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहाँ गए हैं सब, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी सब बिलाल की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तो मैंने कहा यार वलीद छोटा होना भी ना आ भी है, छोटे भाई की आज जिंदगी होती है, मतलब के जो भी काम करना है वलीद इधर वाला खोलें, वलीद दरवाजा बंद कर रही, वलीद ये काम कर दो, खुद सारे चले गए हैं और इसको घर छोड़ गए अकेले के तुम पेंट करवा वाले के पास रहो, ठीक है। अब छोटा होना भी ना, छोटा भाई होना भी कितना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे सबसे बड़ा मसला, बड़ा भाई आएगा वो अलग से रोप, उससे छोटा आएगा वो अलग से रोप। अगर कभी ना कभी उनकी बात को बंदा होता ना, यार मैंने नहीं काम करना, नहीं दिल कर रहा, अच्छा पापा नो आ लेंगे अज शाम, अज तेरी खैर नहीं है, हाई कोर्ट का वखरा प्रेशर ऐड हो रहा होता, तो उस बंदा किसी जवाब भी नहीं दे सकता। तो ये जिंदगी होती है। तो वलीद आपकी क्या जिंदगी है यार, तुम भी छोड़ते हो ना कि यार मेरा भी कोई छोटा भाई होता वो सब सारे डोब उसके ऊपर डाल रहे होते है ना, अगर होता फिर रोप नीचे डाल दे, वो दोनों डालते मैं नहीं था डाला क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे छोटा हूँ, तो उसमें क्या भी तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी जो बड़े भाई है ना अपने छोटे भाइयों पर ना भाई समझे, अच्छे से प्यार से रहा करें। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं वैसे चाय पीते होते अक्सर ना मुझे चाय के ऊपर गजलें या पोएट्री याद आती है, एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई है। कुछ दिन पहले ना मेरा रिश्ता देखने आए, सारी बात जान वगैरह हो गई, उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया, ऐसे ही मन के सामने बैठ के चाय पीने लग गया, और मैंने चाय उनके सामने बिस्किट ऐसे ना चाय में डिप किया, मैंने चाय पीने लग गया। तो जाते हुए कहते जी मुंडा नहीं पसंद आया जी, की होया जी मुंडा तेरा पेंडू है, ये चार बिस्किट डबो खाता जी मुंडा तेरा पेंडू है। तो उन्होंने मैं इस वजह तो भाई चार बिस्किट डबो की वजह चेक कर सकता। जब वो जाने लगे वापसी पे, मैं उन्होंने कहा बुजुर्गो गल ताड़ी अपनी जगह, कुड़ी तुम देनी ना देवो, लेकिन चार बिस्किट डबो के जरूर खाया जाए, चस मैं गल कर।